मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। नाजरीन दोस्तों की फरमाइश पे एक बहुत सारे बड़े दोस्त इकट्ठे हो गए। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। आइए शिरकत पेश कर रहा हूँ उलमाए किराम हजरत के हवाले से। अगर शेर अच्छा लगे तो आप हमको बताइएगा। शिमर राजा फरमाए मौलवे को पे जाए हमें मंजूर मगर मौलवी ओत पे जाए हमें मंजूर मगर मौलवी ओत पे जाए हमें मंजूर मगर मौलवी ओत पे जाए हमें मंजूर मगर मौलवी तार चलाए हमें मंजूर नहीं मौलवी तार चलाए हमें मंजूर नहीं मौलवी ओत पे जाए हमें मंजूर मगर वो नमाज़े तो पढ़ाए हमें मंजूर मगर वो नमाज़े तो पढ़ाए हमें मंजूर मगर वो नमाज़े तो पढ़ाए हमें मंजूर मगर पार्लियामेंट में जाए हमें मंजूर नहीं पार्लियामेंट में जाए हमें मंजूर नहीं मौलवी ओट पे जाए हमें मंजूर मगर हलवा खैरात का खाए तो हमारा जी खुश। बिल्कुल हकीकत पेश कर रहा हूँ शेर देखिएगा। हलवा खैरात का खाए तो हमारा जी खुश हलवा खैरात का खाए तो हमारा जी खुश हलवा खैरात का खाए तो हमारा जी खुश हलवा खुद घर में पकाए हमें मंजूर नहीं हलवा खुद घर में पकाए हमें मंजूर नहीं मौलवी ओट पे जाए हमें मंजूर मगर। और ये दूसरे बंदूर खान नजर फरमाए इल्म इकबाल और रिहाइश हो के ख्वाहिश कोई इल्म इकबाल और रिहाइश हो के ख्वाहिश कोई इल्म इकबाल और रिहाइश हो के ख्वाहिश कोई वो भी हम सा नजर आए हमें मंजूर नहीं वो भी हम सा नजर आए हमें मंजूर नहीं। आखिरी शेर मौलवी ओट पे जाए हमें मंजूर मगर इहतराम आपका वाजिब है मगर मौलाना क्या इहतराम आपका वाजिब है मगर मौलाना इहतराम आपका वाजिब है मगर मौलाना हजरत वाला किराए हमें मंजूर नहीं हजरत वाला किराए हमें मंजूर नहीं मौलवी ओट पे जाए हमें मंजूर मगर मौलवी ओट पे जाए हमें मंजूर मगर मौलवी कार चलाए हमें मंजूर नहीं। ये शेर जो आप सुन रहे थे जनाब हजरत अक़दस मौलाना अब्दुल खालिक साहब दामत बरकातहुल आलिया मद्दज़िल्लहुल आली मदरासी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद के आवाज़ में ये राज़ भारती आप देख रहे हैं मीडिया। अस्सलामु अलैकुम।